like a Hellcat. आज आपको मैं एप्सन का कोई भी सीरीज हो, एल सीरीज हो चाहे एम सीरीज हो, एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। यह प्रिंटर्स मैं दो दिन से परेशान था इसको ठीक करने में। इसमें बार बार एरर कोड 01020×10 आ रहा था। मैं इसमें पूरी अच्छी तरह से इसको साफ किया, सेंसर भी बहुत सा चेंज करके देखा, लेकिन यह प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा था। कभी स्कैनर प्रॉब्लम आ जाए तो कभी इसमें सेंसर प्रॉब्लम आ जाए। तो ये प्रिंटर को मैंने कम से कम दो दिन से मैं इसको ये प्रिंटर के पीछे परेशान था। और इसका जैसे मैं ये सेंसर भी चेंज जो है ये सेंसर इसको भी चेंज करके देख लिया, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। फिर जो ये हेड में हम लोग का जो यहाँ पे ये सेंसर लगता है इसको भी चेंज करके देख लिए, फिर भी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। फिर मैंने ये जो आपका हेड का जो वायर है इसको भी चेंज करके देखा, तभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। स्कैनर का जो है वायर इसको भी चेंज करके मैंने देखा, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। और इसका जो प्रॉब्लम था मुझे तो ताजुब लगा कि इतना छोटा सा प्रॉब्लम के चलते इतना परेशानी उठाना पड़ा। तो सोचा ये प्रॉब्लम आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि ये छोटा सा प्रॉब्लम से आपको हज़ार रुपया बच सकता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या था कि जब प्रिंटर ऑन करें तो कभी स्कैनर प्रॉब्लम आ जाए तो कभी सेंसर प्रॉब्लम आ जाए। स्कैनर का मैंने पूरा खोल के इसको साफ करके भी देखें, जैसे इसमें दूसरा स्कैनर भी लगा के देखे, तभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था। तो इसमें जो मेरा स्कैनर है आपको मैं स्कैनर खोल के दिखाता हूँ। इसको इस प्रिंटर को मेरा बनाने में कम से कम प्रॉब्लम समझने में दो दिन लग गया है। मैंने स्कैनर का जो ये भी चेंज किया, मोटर भी जो है चेंज करके देखा है, और ये जो वायर इसको भी चेंज करके देखा है, फिर भी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। होता यह था कि जब भी मैं प्रिंटर ऑन करता था तो ये जो आपका स्कैनर है ये आपका यहाँ से मूव करते हुए यहाँ पर इसको स्टॉप हो जाना चाहिए, लेकिन मेरा मोटर स्कैनर का है वो चलता ही रहता था और यहाँ पर स्टॉप मोटर जो है होता नहीं था, जिससे मेरा मोटर पूरा हीट हो जा रहा था। तो दूसरा भी मेरा पुराना स्कैनर लगा देने उसमें भी इससे वही प्रॉब्लम हो रहा था। स्कैनर आपका जो यहाँ से आपका एंड तक जो आता है स्टार्टिंग पॉइंट तक यहाँ पे स्टॉप हो जाना चाहिए, लेकिन मेरा ये लाइट जलते रहता था और मोटर मेरा चलते रहता था। ये प्रॉब्लम मैंने देखा और इसका जो सलूशन है बहुत ही छोटा सा प्रॉब्लम है, लेकिन आप सर्विस सेंटर जाइए तो आपका पूरा स्कैनर चेंज कर देगा या वायर चेंज करेगा या स्कैनर के ये पार्ट्स जो मोटर सही थी उसको चेंज कर देगा। तो इसमें किसी स्कैनर का कुछ प्रॉब्लम नहीं था, मेरा सब चीज़ ओके था। अब देखिए आपको मैं प्रॉब्लम बताता हूँ, प्रॉब्लम मेरा क्या था। प्रॉब्लम मेरा जो ये स्कैनर का जो है जिसमें हम लोग स्कैन करते हैं या जर्स करते हैं, तो प्रॉब्लम मेरा इसमें था। इसमें देखिए प्रॉब्लम कहाँ है, ये जो वाइट रंग की पट्टी देख रहे हैं, जैसे देख सकते इसमें आपका पूरा डस्ट है, ये डस्ट जो इसमें बैठ गया है इससे चलते मेरा जो स्कैनर जो स्कैन करता है इस तरह से इस पर मूव होता है। तो ये मूव होने के बाद यहाँ पर इसको ये वाइट रंग का जो पट्टी है इसको स्कैन करता है, और इस पट्टी में देखिएगा आप जो है ये डॉट देख रहे हैं, ये इसको स्कैन करता है जिससे इसको मान चलता है कि इसको हम यहाँ पर स्टॉप होना है। तो ये रीड नहीं कर पा रहा था, इसे चलते मैं स्कैनर
ऑन ही रहता था 2-3 मिनट तक, और मोटर चलते रहता था एंड पर आने के बाद भी। देखिए आपको मैं स्कैनर को जो ग्लास है उसको निकाल के बता रहा हूँ। देखिए ये ग्लास भी पूरा जो है गंदा हो चुका है डस्ट से, तो आपको इसको साफ कर लेना है। और आपका जो ये वाइट रंग का जो देख रहे हैं ये पट्टी, ये जितना डस्ट जो इसमें है इसको भी आपको साफ कर लेना है। ये जो वाइट रंग का पट्टी है इस पर अगर डस्ट आपका आ जाएगा तो आपको बार बार स्कैनर प्रॉब्लम और सेंसर प्रॉब्लम शो करेगा। आपका प्रिंटर ऑन होने के बाद 2 या 3 मिनट बाद आपका एरर शो करने लगेगा। तो ये छोटा सा प्रॉब्लम था डस्ट के चलते, और मैंने प्रिंटर का पूरा पार्ट्स चेंज करके देख चुके हैं, हेड चेंज किए हैं, हेड कवर चेंज किए हैं, हेड का जो सेंसर है वो चेंज किए हैं, और प्रिंटर पर खोल के पूरा साफ सुथरा करके पानी से धो के भी देख चुके हैं, फिर भी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था। चलिए ऐसा करते हो मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।